2024 चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी संथाल में खोए हुए साख को दोबारा मजबूत करने में जुट गई है। इसी के तहत सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। विभिन्न दल से आए कार्यकर्ता और नेताओं को पार्टी की सदस्यता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में अंग वस्त्र देकर कराया गया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश एक नई राह में चल रहा है, उसी से प्रभावित होकर लोग अलग अलग पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं और आने वाले दिनों में केंद्र के साथ साथ राज्य में एक मजबूत और सशक्त भाजपा की सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार पर भी हमला बोला। देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो आज शामिल हुए हैं, मैं उनको दिल की गहराई से उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ और उनको बधाई देना चाहता हूँ। और बधाई और अभिनंदन इसलिए देना चाहता हूँ कि आप एक ऐसे परिवार में आए, एक ऐसे राजनीतिक दल में आए जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, मैं बार बार कहता चाहता हूं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उस परिवार में, उस पार्टी में आप शामिल हुए, इसलिए मैं आपको दिल की गहराई से फिर से अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, हम जानते हैं देश में देश का नाम, मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाला व्यक्ति का नाम दुनिया के अंदर अगर कोई एक नेता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है दोस्तों, हम जानते हैं कि उनकी विकास की गंगोत्री हर गांव तक पहुंच रहा है, हर टोले तक पहुंच रहा है, हर मोहल्ले तक पहुंच रहा है, समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच रहा है। चाहे वो आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज हो, चाहे सर्व समाज के पास प्रधानमंत्री के द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाएं, कोई ना कोई योजनाएं प्रत्येक घर में पहुंचने का काम हुआ है। बहनों के लिए उज्ज्वला योजना, गरीबों के लिए शिक्षा के साथ चिकित्सा के लिए आयुष्मान, डीबीटी, ऐसे कई उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा, गोड्डा भाजपा जिला अध्यक्ष राजू मेहता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री पूजन पाठक ने और धन्यवाद ज्ञापन जिला अध्यक्ष राजू मेहता ने किया। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।